है, इसको धो के काट लिए हैं चार टुकड़ों में। इसको मीठा चटनी बनाते हैं, यानी अचार। देखिए, एक चम्मच करके ले लिए हैं। धनिया है और मेथी है, सौंफ है, ये जीरा है, ये मंगरेल है, मंगरेल थोड़ा कम डालिएगा, और ये लाल मिर्च दो है। और इसको सब सूखा गरम करते हैं। यहाँ कढ़ाई गरम हो गया है, देखिए यहाँ पर डाल रहे हैं। अब इसे धीमी आँच पे भून लेते हैं। इसको जब चटकेगा, आवाज़ आएगा थोड़ा थोड़ा, तब इसको निकाल लेंगे और सूखा इसको दरदरा पीस लेंगे। अब ये भून जा रहा है धीरे धीरे, देखिए हल्का हल्का इसको भून रहे हैं। अभी हुआ नहीं, चटकने का आवाज़ नहीं आया है। अब देखिए चटकने का आवाज़ भी आ रहा है। यहीं पे दो ढेला गुड़ डालेंगे। अब इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ लिए हैं। अब तेल डाल रहे हैं सरसों का, आमड़ा भूनने के लिए। अब इसमें डालते हैं सौंफ, मेथी, मंगरेल, तेजपत्ता, लाल मिर्च सूखा, दिखाते हैं। थोड़ा हींग डाल देते हैं पहले। ठंडा हो गया, अब इसको मिक्सी में पीस लेते हैं दरदरा। देखिए अब हमारा डाल रहे हैं। अब ये 5 मिनट से ज़्यादा भून जाएगा अच्छा से। इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, देखिए 1 चम्मच के बराबर। ताकि थोड़ा गल जाए। अब इसको ढक देते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। यहीं पे गुड़ डाल दिए। इसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं। हम तो खाली गुड़ का बना रहे हैं, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं।
ये देखिए हमारा मसाला पिस चुका है। है ना दादा, देखिए बॉयल हमने तैयार हो गया है। देखिए बॉयल हो रहा है, अभी गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो रहा है। इसको मेल्ट होने दीजिएगा अच्छा से, तभी फिर सूखा वाला मसाला हम इस पर डालेंगे। इसको थोड़ा देर ढक देते हैं 5 मिनट। देखिए ढक्कन उठाते हैं, हम मसाला सूखा हुआ डालते हैं। देखिए आप लोग मेरे तरह से बनाइए और बताइएगा कैसा लगा। ये हमारी बेटी भी आएगी तो टेस्ट करेगी, बहुत पसंद करती है। अभी ससुराल में है हमारी बड़ी बेटी, बहुत प्यारी है, ये सब बहुत मन से पसंद करती है। अब 2 मिनट इसको थोड़ा बॉयल होने दीजिए। अब इसमें पानी हम एकदम नहीं डालें ताकि ये चले ज़्यादा, महीनों रख के खाइए ख़राब नहीं होगा, और पानी डालने से ख़राब हो जाता है अचार, इसलिए हम पानी इसमें नहीं डाले हैं, एक बूंद भी पानी नहीं डाले हैं। और ये हमारा आंवला का अचार बन के तैयार। तो सभी दोस्त को बाय, नमस्ते, प्रणाम। तो यहीं पर हम बंद करते हैं गैस भी और ब्लॉग भी। बाय।